आज सदर अस्पताल का जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पूरा अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नाराजगी व्यक्त की। मौके पर उन्होंने कहा कि मरीजों द्वारा मुझे शिकायत मिली थी कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते हैं। इसी कड़ी में मैंने अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां ना तो सिविल सर्जन है और ना ही कोई डॉक्टर है। सिविल सर्जन को फोन और अनुमंडल पदाधिकारी को फोन कर बुलाया गया, जहां डॉक्टरों की उपस्थिति और पंजी की जांच की गई। सदर हॉस्पिटल में शिकायत मिली थी, एक भी डॉक्टर नहीं। ओपीडी में लंबा लाइन है, कई सीरियस मरीज लोग बाहर खड़े और सुविधा मिलते हैं, हमारे भागी भागे आए और हमने भी देखा कि एक भी डॉक्टर नहीं, ना सिविल सर्जन नहीं। फिर हमने विभाग से बात किया, मैंने डीसी से बात किया, मैं एसडीओ को बुलाया हूँ, बोले आप देख लीजिए, आप सारा रिपोर्ट देखिए, रजिस्टर देखिए। रजिस्टर देखने के बाद उन्होंने बताया कि कोई डॉक्टर है ही नहीं, उनके लेक्चर्स है। मैंने कहा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, कई मरीज को मैंने अभी इलाज किया है और भीड़ कम भी हुआ है, 300-400 मरीज हैं जामताड़ा का, ये लाइफ लाइन हॉस्पिटल है डॉक्टर ने। तो सिक्योरिटी से मेरी वार्ता हुई है, हमने कहा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा किसी कीमत पर, मैं जनता के साथ स्वास्थ्य के साथ यदि कुछ इस्तेमाल करेगा मैं बुला, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी भी भावना आहुत हुई है। और हमने कहा है सिविल सर्जन को भी बहुत फटकार लगाया, हम बोले बुरी अवस्था छोटी है आप, नहीं 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 आपको बहुत हो गया, मजाक बना कर दिया है, स्वास्थ्य के साथ जरूर बताइए, वो तो हम आए हैं तो ये हाल है, हम नहीं रहेंगे तो क्या हाल होगा। और सुशील का भी वही हाल है, खाली साइन करो पैसा भरो, एक स्टाफ नहीं, एक नर्स नहीं है यहाँ। तो सारा रिपोर्ट हम देख लिए, डी सी को बुलाए थे, डी सी साहब ने भी सारा देख लिया है, रिपोर्ट डी सी को देंगे, डी सी के साथ हम लोग मांगा है रिपोर्ट, उसके बाद हम कार्रवाई कराएंगे। विधायक जी, छोटी छोटी बातों पर जो है पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है, वहीं बिचौलिया जो है बिचौलिया के द्वारा आस पास के अस्पताल में नर्सिंग होम में भर्ती कर उसे पैसा का दोहन किया जाता है। सर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को लगता है कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, आते ही नहीं डॉक्टर, जो मरीज आता है भेज देता है प्राइवेट में, आदिवासी लोग को भेज देता है प्राइवेट में। अब बेचारा जब डिलीवरी में, जब ऐसा सिचुएशन में कोई भी चाहेगा भाई कि मेरा मेरा इलाज हो जाए, बाहर जाकर इलाज कराता है, गाय बेचता है, बकरी बेचता है, धान बेचता है, झारखंडी लोग क्या बेचेगा, और बच्चा का इलाज कराता है, तो कहाँ है हॉस्पिटल। हम तो कहेंगे कि सरकार को संज्ञान मिले, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कम से कम इस विभाग को बढ़िया से देखिए, आप मॉनिटरिंग कीजिए, कोई माए बाप नहीं है इस विभाग का, इतना बड़ा विभाग सीधा जनता का से जुड़ा हुआ है और जनता के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हमारी सरकार। हमने कहा नहीं, अब हमने निर्णय लिया है कि हम अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो हर प्रत्येक दिन हम दो दो घंटा हम। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।